भारत में आर्टिकल 270 और 35 एक अखल किया था उस दिन के वाले से आज हमेशा की तकरीब का इनकार होगा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमें एहसास है इस धूप में आपके प्यास का भी आपकी तकलीफ का भी, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा, हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए स्टेज पे भी खड़े हो, और ये जो आगे एक और लाइन बन सकती है अगर स्टेज के लोग यहाँ पे चले जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। आप सब लोग जो साइड पे खड़े हैं सामने जहाँ पे तारे हमने लगाए हुए हैं प्लीज यहाँ पे आ जाए। मैं अजमत तालुका के नुमाइंदा को ये कहूंगा कि सेक्रेटरी जनरल अजमत तालुका वो स्टेज पे आए, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम तमाम तबका आपकी तरफ से है किसी एक जमात पार्टी जनाब मोहतरम असिस्टेंट कमिश्नर सेंसा
और आज की इस तकरीब और इसके सरबराह इसी साथ आज का दिन हमारे लिए इंतहाई अफसोस का दिन है कि आज के दिन हिंदुस्तान ने अपने आयन में तरमीम की, वो तरमीम की जो अकवाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा तरमीम थी। अकवाम मुत्तहिदा के तहत पूरे कश्मीर को डिस्प्यूटेड कंट्री मुतनाज़ा इलाका डिक्लेयर किया गया था और अकवाम मुत्तहिदा की करारदादे मंजूर हुई थी कि पूरे कश्मीर में हक खुदारादी कश्मीरियों को दिया जाएगा। वो फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को अपने आयन में तरमीम करके 2 दफात में तब्दीली लाई है, 1 270 में जो इसी राजशुमारी के मतलब थी और इलाका का जो कुछ इलाके थे उनकी भी बंदरगाह ढूंढने अपने दौर पर की है, और दूसरा ये था कि महाराजे के दौर में कश्मीर का आयन था कि यहाँ कोई गैर कश्मीरी जो है वो कोई जमीन का एक चप्पा भी खरीद नहीं सकता है। उसमें हुकूमत ने तरमीम की और ये आजादी दे दी हिंदू को कि वो मकबूजा कश्मीर में जाकर वो जमीन कश्मीर की जन्नत बेनजीर जिसको जन्नत कहता है कहा जाता है और जन्नत कभी हिंदू को नहीं मिलती, वो हिंदू को कश्मीर हासिल करने की कोशिश के लिए उसने आयन में तरमीम किया। हम उस आयन की उस तरमीम की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम पूरे कश्मीर में हक खुद अरादियत चाहते हैं, कश्मीरियों को हक खुद अरादियत दिया जाए कि वो जो फैसला करते हैं वो फैसला तस्लीम किया जाए। मेरे भाइयों यूएनओ पर हम बात कर रहे हैं, हम छोटे होते थे तो एक पंचायत डाला करते थे कि चिट्टी पुती पहाड़ा दे सूची, लेकिन अब यूएनओ ऐसी पुती है जो अमेरिका के चड्डू में सूती है। उस पर आप इतमाद ना करें, आप अपने बाजू में ताकत पैदा करें, आप अतल गाजी का ड्रामा देखा करें, आपको जज्बा इजमाही पैदा होगा। तो आप इस बात को याद रखें कि अवाम में इतनी बड़ी ताकत है, अवाम को कोई आदमी सख्तगू नहीं कर सकता। मैं सलाम पेश करता हूं कश्मीरियों को जो आज भी हिंदुस्तानी फौज के आगे डटे हुए हैं। हर रोज हम सुनते हैं कि उन्होंने इतनी गाड़ियों को आग लगा दी, इतने मुजाहिदीन ने इतने फौजियों को जो है जहन्नम हासिल कर लिया है। मैं इसी बात खत्म करता हूँ, कश्मीरियों को एक बार फिर सलाम। जरूर आप कश्मीर में आएंगे और कश्मीर में जो